हुए होंगे, जहां जहां पाकिस्तान की इनकम जहां जिस सोर्स से आ रही है वो सारी की सारी बंद होगी। मुल्क के अंदर जितना उबाल उस वक्त तक आया हुआ होगा, इसलिए कि हमने खिलाफत पाकिस्तान में इंस्टॉल कर दी है, जब बच्चों के लिए दूध के पैसे भी नहीं होंगे, सरकारी मुलाजमों को तनख्वाह देने के लिए पैसे नहीं होंगे, तो फिर जो कत्लो खून गली गली मचेगा कि फिर जिसकी लाठी उसकी भैंस। खुदा के बंदो, क्यों दुनिया को इस तरफ लेके जा रहे हो? मैं आपकी बेटा बात नहीं कर रहा, मैं अपने उन लोगों की बात कर रहा हूं, मुझसे भी आके मिलते हैं, मीटिंग करते हैं कि आप ऐसा करें वैसा करें, मैं उनको भी यही बात समझाता हूं कि आपके पास नहीं है सस्टेनेबिलिटी। इट्स नॉट जस्ट अबाउट गेटिंग अ खलीफा एट द हेल्म और सारे मसले हल हो जाएंगे, मसले शुरू ही वहां से होंगे। डेमोक्रेसी एक टूल है, इसको इसका इसको छोड़ना इस वक्त जो है वो ये कुफराने नेमत में शुमार होगा। इसके जरिए हम पाकिस्तान में शरीयत लेके आ सकते हैं, इसकी इज्जत करें, इसको बेइज्जत ना करें, हकीकत पसंद हो, हकीकत पसंद। क्या अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप कह रहे हैं, आखिरी बात फिर मैं आपको मैं मौका देता हूं, आप कहते हैं कि नबी मिजाज के मुताबिक आएगी, उस तरीके कार पाएगी, तो क्या अल्लाह के रसूल ने एक हज ऐसा भी अलाउ नहीं कर दिया था कि मुसलमान और मुशरिक इकट्ठे हज कर रहे हैं, अगरचे खुद उन्होंने नहीं किया था, क्योंकि एक प्रोग्रेसिव शिफ्ट हो रही थी नए सिस्टम की तरफ, 23 साल उसमें लगे थे। वो ताइफ में फरिश्ता आया था, दुआ मांगते ऐसे लोग, इनकलाब ऐसे आता कि लग समझ जाती। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मनहज दिया है, एक तरीकाकार दिया है कि स्ट्रेटजी के जरिए बिट बाय बिट आप सिस्टम को इंस्टॉल करते हैं, आयत बाय आयत, वाकया बा वाकया, हदीस बा हदीस। हमारे लिए तो सारा कुछ बना हुआ है, हमने सिर्फ उसको दोबारा से अप्लाई करना है, तो तरीका मौजूद है, तो क्यों हम किसी और तरफ जाए? फरमाइए जी जी सर, थैंक्स सर। जो आपने बात की ना, तो यहाँ पे आप मतलब कि ये चीज़ आपने की कि मतलब कि कत्लो गारत हो जाएगा और भी मतलब इसमें मसाइल होंगे, तो सर इसकी तरफ तो जाने का सवाल नहीं है ना। अगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जैसे आपने मनहज को बयान किया यहाँ पे, तो अब हम उन्हें भी देखें, तो सबसे पहले तो ये था ना कि बातिल बातिल जो निज़ाम था उससे कट के जो इस्लाम का निज़ाम था उसकी तरफ आ रहे थे ना, तो उसकी तरफ दावत दे रहे थे, इस्लाम का जो निज़ाम था उसको पेश कर रहे थे। और जब जमहूरियत है, अब हम इसको कैसे डिफाइन करेंगे कि ये इस्लाम से, तो हमें अगर नबवी तरीका लेना है तो वो इस्लाम से लेंगे ना। वो हम जो डेमोक्रेसी है इसको हम मतलब के कोई भी वो तरीका जो नबवी स्ट्रगल है, जो जदोजहद है जिसे इनकलाब तब आया, और वो हम स्किप कर दें तो तब हमारा तो नहीं होगा ना कि इनकलाब आ जाए। और कत्लो गारत वाली जो आपने बात की, तो सर इसमें मतलब के कत्लो गारत किस तरह होगी कि अगर मसलन अभी मैं अगर दावत दे रहा हूँ माशरे में, अगर अभी बजट पेश हुआ है, तो मैं इस्लाम का जो एक माशी निज़ाम है उसका बयान कर रहा हूँ कि इस्लाम का माशी निज़ाम ये है, जबकि यहाँ पे इस तरह चल रहा है। यहाँ पे इस्लाम में जिजिया का तस्वर, टैक्स का तस्वर नहीं है। जिजिया अभी उस पर जो उसका मुस्तहिक है, एक जो जिसकी टांग कटी हुई है, जो माजूर है, उसके ऊपर जिजिया नहीं है। अब मैं दावत दे रहा हूँ इस्लाम का जो पोलिटिकल निज़ाम है उसकी दावत दे रहा हूँ, तो ये चीजें मैं कर रहा हूँ, लेकिन मैं डेमोक्रेसी का पार्ट नहीं हूँ। मैं लोगों को तैयार कर रहा हूँ कि आपने इसके खिलाफ उठना है, और उठने से मुराद ये नहीं कि आपने चाकू छुरी लेके उठना है और लोगों को कत्ल करना है, अपने आप सीना देना है। अगर कोई गोली मारे तो आपने सीना आगे फिर करना क्या है, है? फिर तो मुझे बताइए ना, फिर फिर आप लोगों क्या? को नहीं नहीं बेटा, मैं कदा कलामी की, मुझे बताइए ना कि फिर आप लोगों को तैयार करके इस्लामाबाद जाएंगे, ताकतवर हलके जो हैं उनके सामने आप खड़े होंगे, कौमी असेंबली के सामने, पार्लियामेंट हाउस के सामने, सुप्रीम कोर्ट के सामने, और उन्हें कहेंगे कि हम खिलाफत का निज़ाम ले गए हैं पाकिस्तान में, आप जाएं, आज के बाद हम यहाँ पे बैठेंगे, और वो कहेंगे कि यस माई डियर सर, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, हम जा रहे हैं आज के बाद गवर्नमेंट आपकी। ये है आपके जहन में? जी रऊफ भाई बात करें प्लीज। जी रऊफ भाई आपका माइक म्यूट है। सॉरी। अच्छा सर, हम नवी तरीके की तरफ इनकलाब चाहते हैं ना, तो हम जो जमहूरियत है इसको नवी तरीके से कैसे मतलब डिफाइन करेंगे? ये तोहफा कैसे अल्लाह ताला का नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मतलब आप, क्योंकि मुझे कन्फ्यूजन है, आप उनकी जो स्ट्रगल थी तो उससे इस चीज को आप मतलब के वाजे कर दें कि ये कैसे इस्लाम से है। ठीक है, जो मैंने सेकंड अभी यस पॉइंट आपने किया, कहा, तो सर देखिए आपने जो मैं सेकंड आज पॉइंट करता कहा, हूं। जी सर जी फरमाइए अगर मुझे मौका दे तो मैं भाई को थोड़ा सा जवाब देना चाहता हूँ। ये जी, अब तक इनका वही ये वेट कीजिएगा, जस्ट बात कंप्लीट हो जाए फिर आपकी तरफ। मैं जी चाहता था कि सर, इसकी बात सेकंड कर पॉइंट
जी रफी सर बात करूं मैं? जी सर जी जी जल्दी जी सर, सेकंड पॉइंट ये है कि मैं असल में सर साहिल का भी नाम नहीं लेना चाहता था क्योंकि ऐसा ठीक नहीं रहता। अभी वो भी जब काम कर रहे हैं ना, तो आपको मैंने कमेंट भी पढ़ा था कि खरूज की तरफ ना, जो कि हराम है, तो खरूज इसमें मतलब हम, मुझे समझ नहीं आ रही कि हम एक उस निज़ाम से कट रहे हैं। अगर पहले बातिल का मुकाबला करना है उनके निज़ाम से, तो हमने अलग कटना पड़ेगा ना कि हम तुम्हारे निज़ाम में मतलब तुम्हें, ये तो कोई समझ नहीं आ रही ना बात। तो अगर हम नवी तरीके पर चाहते हैं इनकलाब, तो हम नवी तरीके को थामना पड़ेगा, और उस नवी तरीके के हमें अंदर कोई जमहूरियत नहीं मिलेगी। उस नवी तरीके के अंदर एक चीज मिलेगी कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब मक्का में जब लोगों को दावत दी, तो वहां पे देख रहे थे कि अमूमी राय नहीं बन रही लोगों की, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत की, तो मदीना की तरफ आए, तो वहां पे लोगों की अमूमी राय बनना स्टार्ट की, मेहनत करना स्टार्ट की, जिससे लोगों ने डिमांड की। अब पाकिस्तान में तो जो निज़ाम है वो लोगों के ऊपर नाफिस किया हो जिसने, वो इसी वजह से किया हो ना, क्योंकि लोगों को पता ही नहीं है कि जमहूरियत इस्लाम से नहीं है। तो जब लोगों को पता चलना स्टार्ट होगा कि जमहूरियत इस्लाम से नहीं है, तो फिर लोग अभी भी कितना 10-12% है कि वोट जो डलता है। अभी हम, मैं तो सिंध का रहायशी हूँ, अभी कराची में जो वोटिंग हुई थी 7-8% मतलब कुछ टाइम पहले हुआ था यहाँ पे, उसमें हुआ था, तो इतना परसेंट गिरा हुआ है। जब लोग इसको देखेंगे ना, तो फिर लोग डिमांड करेंगे कि हम डेमोक्रेसी के खिलाफ है, हम पीटीआई या पीएमएलएन या मतलब टीएलपीएल। मेरे भाई, मेरा कोई इंटरेस्ट इस बात में नहीं है कि मैं जमहूरियत को फिक्स करूं और लोगों को टेंडेंसीज में इजाफा करूं कि जाके वोट ज्यादा दिया करें। मैंने आपसे पहले कहा है कि मैं, किसी भी वक्त आप मुझसे पूछें कि जमहूरियत और खिलाफत में से बेहतर निज़ाम कौन सा है, मैं आपको कहूंगा खिलाफत है। लेकिन ग्राउंड रियलिटीज को हम इग्नोर नहीं कर सकते। इस वक्त हम जहां पे खड़े हुए हैं, हमारे पास ये कोई पॉसिबिलिटी नहीं है कि हम पाकिस्तान में, मैंने आपसे बड़ा कैटेगोरिकल सवाल पूछा ना कि आप कैसे ही नहीं कि इस्लामाबाद जाएंगे और सारे जिस इदारे में जो काम करे वो आपसे कहेगा कि ठीक है हम सारा निज़ाम आपके हवाले करके हम जा रहे हैं। ऐसे तो नहीं होगा। जमहूरियत एक ऐसा रास्ता है जो कि गैर इस्लामी भी नहीं है, ये भी गलतफहमी लोगों को खत्म कर देनी चाहिए, क्योंकि जमहूरियत को गैर इस्लामी करने के लिए जमहूरियत को डिफाइन करना पड़ेगा, और जमहूरियत की कोई डेफिनेशन नहीं है। अमेरिका की जमहूरियत बर्तानिया से नहीं मिलती, बर्तानिया की ऑस्ट्रेलिया से नहीं मिलती, ऑस्ट्रेलिया की किसी और से नहीं मिलती, सब एक आइडिया है एक बस। तो हमें उस पर कोई एतराज नहीं है, हमें इनफैक्ट इफ एनी थिंग हम कुरान से उसका एविडेंस ढूंढ सकते हैं। ये जो अल्लाह ताला कहते हैं ना कि अल्लाह की इताअत करो, अल्लाह के रसूल की इताअत करो और उन साहिबाने उम्र की इताअत करो, किन की? वो जो तुम में से हैं, अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, उलुल उम्र मिनकुम, वो जो तुम में से हैं, तुम पर नहीं है, तुम में से हैं। इसकी अब उलमा के हवाले से भी तशरीह मुमकिन है और हवाले से, लेकिन अगर आप सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट के हवाले से करें तो जमहूरियत से जस्टिफाई भी हो जाती है कि वो लोग जो तुम में से हैं, जिनको तुमने मुंतखब किया हुआ है, सो लॉन्ग एज वो वही काम कर रहे हैं जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया हुआ है, इट इज ऑल फाइन। लेकिन मैं फिर भी कहता हूँ खिलाफत इससे बेहतर है, लेकिन उसको अचीव करने का तरीका, और देखिए बातों बातों में आपने बड़ी मजे की बात कही है कि मेरा काम है लोगों को कन्विंस करना, उनको बताना कि जमहूरियत जो है ये इस्लामी तरीका नहीं है, मेरा काम है उनको बताना कि टैक्स जो है वो ये इस्लाम का हिस्सा नहीं है और जिजिया है और उसकी भी कंडीशंस एंड सो फोर्थ। यही मैं भी अर्ज कर रहा हूँ। ऐसे जमहूर, इसी को जमहूरियत कहते हैं कि आप जमहूर को इस चीज पे कायल कर रहे हैं कि हमें शिफ्ट करना है, आप पॉलिटिकल पार्टी बनाएं, लोगों को कन्विंस करें, इलेक्शन लड़ें, इलेक्शन जीतें, मुल्क में खिलाफत लेके आ जाएं, बिल्कुल परफेक्टली एक्सेप्टेबल सिस्टम है। इसके अलावा आप जो भी रास्ता चूज करेंगे, वो रास्ता कत्लो खून का है, वो लोगों को के बच्चे मारने का है, वो लोगों को यतीम करने का है, वो बहनों बेटियों को जो शादी शुदा है उनको बेवा करने का है, और कुछ भी आपके हाथ नहीं आएगा। आप खिलाफत लेके भी आ जाएं तो अगले दिन पूरी दुनिया अपनी दुकान आप पे शट करके, आपको आइसोलेट करके उस जगह पे ले जाएगी कि आप लोग को खत्म करेंगे, या दोबारा आप उनके पास जाएंगे और कहेंगे जी हम जमहूरियत की तरफ वापस आ रहे हैं। लेकिन आप जब डेमोक्रेसी के जरिए खिलाफत लेके आएंगे तो पब्लिक ऑनरशिप आप दुनिया को दिखा सकते हैं, पब्लिक ऑनरशिप जनाब, पूरा मुल्क ये चाहता है। राजा भाई, मैं थोड़ा मुतनाफी बात करूंगा, बदनीयती नहीं है मगर सवाल है। तो भाई, पहली बात तो मैं ये कह दूं कि आपका, मुझे आपका अखलाक बहुत पसंद है। आप जिस किस्म से हमारी तहजीब की रहनुमाई करते हैं मुझे बड़ा पसंद आया। आप बड़ा सब्र और तहमुल से बात करते हैं, मुझे बहुत पसंद आया। अच्छा, जहां तक बात है आपकी हारिस सुल्तान से जो आपकी जो बहस हुई थी, देखिए इसमें एक, उसमें आपने, मैं मानता हूं आपने उनकी धज्जियां उड़ा दी, आपने उन्हें बच्चों की तरह पीटा, इसमें कोई शक नहीं, मैंने पूरी बैठ के देखी।
मगर उसमें देखिए एक एक मुसीबत एक ये है कि मैं देखिए बरे सगीर की जो तारीख है हालिया में, एथियज्म जो है ये कोई इस पे ना किसी की कोई आप समझिए कि ओरिजिनल या तबाजात कोई जो है वो ख्यालात हैं, ये विकिपीडिया पे यहाँ देखे वहां देखे जो है वो हारिस साहब और उनके जैसे लोग आ जाते हैं, तो आपने उनको खत्म कर दिया बिल्कुल डिबेट में, मैं मानता हूँ, और आपने जो है उनको थोड़ा मतलब वो बेवकूफ खान मतलब वो बेवकूफी की बातें करने लगे, कुछ घबरा गए, छोड़िए उसे मतलब मैं तो कहने का मेरा मकसद ये है कि मुझे लगता है कि देखिए ये जो हमारी जो बरे सगीर की तारीख है ना, इसके अंदर ये जो एथियज्म और ये जो चीजें हैं ना, ये सब कॉपी पेस्ट हैं, ये विकिपीडिया है, कोई भी ताबाजाद आपको ख्यालात कहीं नहीं दिखेंगे, मैंने ढूंढने मुझे कहीं नहीं मिले, बल्कि एक इंसान है जो मर गए हैं, रजनीश जो थे जिन्हें जो ऑरेगन में जो रहते थे उनकी अगर आप जाके देखें वो फिर भी कुछ उनकी बातों में कुछ ओरिजिनलिटी थी, मैं उनसे जो है वो इत्तेफाक नहीं रखता मगर ओरिजिनलिटी थी। तो मेरा सवाल आपसे ये था भाई कि अगर आप, मेरे ख्याल से बड़ा मजा आएगा अगर आप जो हैं वो जो मगरबी ममालिक में जो एथियज्म के सपोर्ट करते हैं या प्रोपोनेंट्स हैं, अगर उनसे आप बहस करें डिबेट करें, तो मेरे ख्याल से ये बड़ा एक हमें भी फायदा होगा सुनने वालों को और जो है बाहर के लोगों को भी फायदा होगा। तो ये मेरा आपसे एक सवाल था क्योंकि हारे साहब जैसे लोगों से मेरे ख्याल से तो मतलब आप उन्हें 2-3 घंटे पीटते रहे, इसमें कुछ मुझे तो कुछ खास जो है वो मजा नहीं आया, तो ये मेरा सवाल था, शुक्रिया। जी पहले तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आपका, आपने इतने हौसला अफजा कहे, इतनी मोहब्बत बख्शी आपने। देखिए मैं भी आपसे इत्तेफाक करता हूँ कि हमारे जो एक देसी एलिमेंट है एथियज्म का, वो किसी भी लेवल पे हो वो बाय एंड लार्ज कॉपी एंड पेस्ट पे चलता है। मेरा एक इंग्लिश का चैनल भी है कैसरे राजा के नाम से, जिसपे पहले मैं वीडियोज वगैरह मैं अपलोड किया करता था, लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता वो इतना ज्यादा मैं बिजी हो गया कि मैं उसको मैं सस्टेन नहीं कर पाया, लेकिन अब मेरा प्रोग्राम है इंशाल्लाह कि मैं उसको दोबारा रिवाइव करूंगा, तो उसमें फिर ये बड़ी पॉसिबिलिटी है। इनफैक्ट जो आयरा जो अपना दावा की तंजीम है इंग्लैंड की, हमजा सोर्सेज की, हमजा सोर्सेज से भी बात हुई थी, उनका भी यही मशवरा है जो आप दे रहे हैं कि अलाइनमेंट कराते हैं जो ओवरसीज इंटरनेशनल स्फेयर के जो एथियस्ट हैं उनसे डिबेट्स वगैरह हों, तो हु नोस सर, मुमकिन है कि साल में 2-3 डिबेट्स उस तरफ भी हो जाएं। बात आपकी ठीक है कि जहां से ओरिजिनल कंटेंट आ रहा है बात आपको वहां पे करनी चाहिए, लेकिन चूंकि ये एक चीज एक ट्रेंडिंग थी और बड़े टाइम से थी कि नहीं वो तो अंग्रेजी में बातें होती हैं तो हमें तो अपनी जुबान में चाहिए, और हारे सुल्तान साहब खुद को कहते हैं कि मैं पाकिस्तान और इंडिया के एथियस्ट का मैं इमाम हूं और उनका लीडर हूं, तो अब मैं नहीं कहना चाहूंगा ऐसी बात जिससे कोई यू नो एरोगेंस या नखुवत का कुछ पहलू निकलता हो, लेकिन हकीकत यह कि हमारे हिस्से में अगर यही हुए आए हुए हैं तो फिर हमने यही भुगतने हैं। पर इंटरनेशनल स्क्वायर में इंशाल्लाह मैं जल्दी में इंशाल्लाह मैं अटेंड करूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया जी। साजिद रहीम आप बात करें प्लीज। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। कैसर भाई से तो गायबाना तारफ था, एक दोस्त के जरिए से आज पहली दफा उनकी महफिल में शरीक हूँ, और ये जो टाइटल देखा ये बड़ा पसंद आया, और सुनते थे यही के लिबरल की और एथियस्ट की दजिया उड़ाते हैं, एक साहब ने जिक्र भी किया। बहरहाल मुझे इस टॉपिक ने अट्रैक्ट किया, मॉरल सिस्टम ऑफ इस्लाम। अच्छा मेरा मुशाहिदा है, शायद आप सबका भी होगा, कि हमारे यहाँ वो लोग भी जिनको बड़ा मजहबी समझा जाता है, जिनको हम कहते हैं कि बड़ा नेक है, उन लोगों को भी उनका भी दीन का तस्वर बड़ा महदूद है। यानी आप पाकिस्तान में किसी आम पाकिस्तानी से पूछ लें कि आपकी क्या ख्वाहिश है, वो यही कहेगा कि इस मुल्क में शरीयत का निज़ाम नाफिज हो जाए। और अगर आप थोड़ा सा आगे पूछें कि आपके जहन में शरीयत का आइडिया क्या है, तो कहेगा बस चोर के हाथ काट दिए जाए और किसी को मतलब कोड़े लगा दिए जाए। तो बड़ा हमारा रिस्ट्रिक्टेड सा मजहब का वो कॉन्सेप्ट है। जो थोड़ा बहुत मतलब मेरा है वो ये कहता है कि इस्लाम जो है वो जब एक मुआशरे में अखलाक की हदूद का तायुन करता है तो उसके मैकेनिज्म में दो बातें आती हैं। एक तो वो आपके अंदर तकवा, उस पर जोर देता है कि इंसान के अंदर अल्लाह ताला ने जो जमीर रखा है, तो वो जब कुरान सुनता है, हदीस पढ़ता है,
तो उसके अंदर जो ज़मीर है वो जिंदा रहता है और वो उसको बुराई की तरफ जाने से रोकता है। तो ये एक इंटरनल पुलिस लगाई गई है हमारे अंदर, और इसको जिंदा रखने के लिए जिक्र का हुक्म दिया जाता है, इबादत का हुक्म दिया जाता है कि आप इबादत करें, जिक्र करें, आपको अल्लाह का पैगाम याद रहे तो आप की अखलाकी हदूद मतलब आप उनकी पाबंदी कर सकेंगे। दूसरा जो है वो बाहर से जो अथॉरिटी जिसको कहते हैं अमर बिल मारूफ व नहीं अनिल मुनकर, तो वो एक जुडिशियल सिस्टम भी है उसके लिए, उसको कंट्रोल करने के लिए, और सोसाइटी का प्रेशर भी इस्लाम क्रिएट करता है कि माशरे में ऐसे लोग हो जिनकी इज्जत हो, जिनका वकार हो, जिनका दबदबा हो, तो आप उनके जेर असर रहते हैं, उस वजह से भी आप कोई ऐसी हरकत नहीं करते कि जो उस माशरे में मायूब लगे। लेकिन हमारे यहाँ जो आम एक आदमी का इस हवाले से सोच है, उसको बदलने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि वो इस्लाम को एज ए सिस्टम समझे, ना कि एक मजहब या एक जाति उसकी चीज। बहुत शुक्रिया। जी बिल्कुल दोस्त, आपने फरमाया यही इस्लाम की इज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल एस्पेक्ट्स के इसमें जो आपकी इंट्रिंसिक कंसिस्टेंसी है वो एक्सट्रिंसिकली नजर आनी चाहिए माशरे में। यानी ऐसा नहीं है कि आप जाती तौर पे कहीं और, इवन अगर आप जाती तौर पे कहीं और हैं भी, तो स्टिल जो कोहिजन है माशरे की वो प्रेसिडेंस रखेगी। लेकिन आइडियल ये है कि आपका जो इनर सेल्फ है उसके साथ वो मैच होता हो, जिसके आगे हम बात कर रहे थे सूरह शम्स की आखिरी आयत के हवाले से भी, कि अल्लाह ताला ने तो आपके एक हिदायत का सॉफ्टवेयर दे दिया है एज एन इंडिविजुअल, वही जब सारे इंडिविजुअल्स उसे कलेक्टिवली प्रैक्टिस करते हैं तो उसी को ही माशरा कहा जाता है। तो वो अलाइन होना चाहिए आपके इनर सेल्फ से, तो आपकी अदालत का निज़ाम, आपके माशरे का निज़ाम, सारे का सारा आपके इनर सेल्फ को रिफ्लेक्ट करता हो और आपका इनर सेल्फ उसको रिफ्लेक्ट करता हो, ये एक आइडियल इस्लामी माशरा है। जी सर, जज़ाकअल्लाह खैर। जी सदफ मतलूब, आप बात करें प्लीज। सदफ 5 सेकंड वेट। जी सजाद सिकंदर, आप बात करें प्लीज। जी अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। अच्छा, मैं जब ज्वाइन, जब मैंने ज्वाइन किया तो ये बात हो रही थी खिलाफत और जमहूरियत पे, कि खिलाफत को एज अ सिस्टम जो है वो हम नाफिज करें, जिस पे कैसे साहब ने कहा कि जमहूरियत भी सिस्टम मतलब ठीक है, और ये बिल्कुल बात उन्होंने ठीक की है कि कुरान के मुताबिक ही है। मेरा जो ख्याल है वो ये है कि इस्लामिक जो निज़ाम है, यानी कि इस्लाम के जो अहकामात है, अगर उन पे अमल किया जाए तो निज़ाम कोई भी हो, आहिस्ता आहिस्ता इस्लाम ही का वो मतलब उसके रंग जो है ना इस्लाम का, वो उस निज़ाम पर भी चढ़ सकता है। अभी प्रेजिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है वो खिलाफत से ज़्यादा मुख्तलिफ नहीं है। चाइना में आप देखें तो वन पार्टी सिस्टम है, वो उससे भी ज़्यादा बेहतर है, यानी कि प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से भी ज़्यादा बेहतर है, खिलाफत से वो ज़्यादा करीब है। अगर हम उसको उस नज़र से देखना शुरू कर दें, मसलन एक खलीफा होता है और उसके कुछ जो शूरा होती थी, जो जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 10 जो असहाब हैं जिनको जन्नत की बशारत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी, वो उन्हीं में से हज़रत अबू बकर खलीफा बने और फिर हज़रत उमर और इस तरह से आगे हज़रत उस्मान और हज़रत अली। तो यानी कि वो भी आपस में मशवरा करके उन्होंने बनाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो किसी को नामज़द करके नहीं गए थे ना, तो इसी तरह मतलब वो वन पार्टी ही हो गई, एक ही लाइन है उनकी, एक इस्लामिक उस पर चल रहे हैं। तो हम पाकिस्तान में अगर मैं इमेजिन करूँ तो एक ऐसा निज़ाम हो कि एक पार्टी हो लेकिन उसमें एलिजिबल लोग हों, कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हो, जिस उस पार्टी में शामिल होने का उनका कोई क्राइटेरिया हो, उसके बाद उनको सिलेक्ट किया जाए। जैसे ईरान में है, अब ईरान में क्या होता है कि ईरान में आप नॉमिनेट करते हैं अपने मुल्क के अच्छे अच्छे लोग जो जिन्होंने कोई अचीव किया हो, और उनका आपस में इलेक्शन हो जाता है और उनमें से एक मुंतखब हो जाता है, तो वो भी खिलाफत से बड़ा करीब है। हमारे जो जमहूरी निज़ाम में प्रॉब्लम है ना, जो मेन मसला है, जो मुझे लगता है जो कुरान से भी साबित है ये मसला, मसलन अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया कि वमा यस्तविल अमा वल बसीर, कि अंधा और देखने वाला दोनों बराबर नहीं है। जमहूरियत इन सबको बराबर कर देती है। कैसर साहब इतने पढ़े लिखे आदमी हैं, ये एक वोट डालेंगे, इन्हीं के इलाके का एक जर्सी अगर वोट इनके बरक्स दे देगा ना नशई कोई, तो इनका वोट बराबर हो गया, इनके वोट को उसने बीट कर दिया, न्यूट्रल कर दिया। अब इनका वोट
असर नहीं रखेगा, किसी किस्म का उसका कोई फायदा नहीं होगा। मेन चीज क्या है कि इस्लामिक निज़ाम को आप गौर से देखें तो जो एक्सपीरियंस लोग थे, जो ईमान जिनका मजबूत था, हुजूर के करीब वही थे और उन्हीं से मशवरा किया जाता था। यानी कि अगर हमने बंदा इलेक्ट करना है अपना हुक्मरान या खलीफा, तो उसको इलेक्ट करें जो एजुकेटेड हो, यानी कि उसका भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होना चाहिए। मसलन मैं चाहूँ, मेरा ख्याल है कैसर साहब को एक वोट की ताकत नहीं, इनकी जो एजुकेशन है या जो इनका एक्सपीरियंस है, कोई ऐसा सिस्टम होना चाहिए। हो सकता है नादरा से, हो सकता है इनकी अगर PhD है लेट से, तो मैं कहता हूँ कि जी इनकी 5 वोट्स काउंट होंगे, ठीक है, ये भी हो सकता है। दूसरा जो लंबा तरीकाकार है वो ये है कि आप अपने लोगों को एजुकेट कर दें। अब देखें वेस्ट क्यों कामयाब है, वेस्ट में एजुकेशन लिटरेसी रेट बहुत ज़्यादा है, वहाँ पे लोग पढ़े लिखे हैं, इसलिए वहाँ पे जमहूरियत कामयाब है। पाकिस्तान में कभी भी आप देख लें कि ये आपको 50-60 साल लग जाएंगे, लोगों को पढ़ाने में टाइम लगता है, उनको एजुकेट करने में टाइम लगता है। ये अलग बात है कोई इनकलाब, एजुकेशनल इनकलाब आ जाए, जैसे अभी ये PTI वगैरह का एक इमरान खान ने यानी कि उनको एजुकेट किया, ईमान की बातें करना शुरू हो गई हैं लोग अब, तो ये हो जाए तो वो भी ठीक है। तो मेरा बेसिकली ये कहने का मकसद है कि निज़ाम जो है ना, अगर आप उसमें से उसकी जो बुराइयां हैं, जब इस्लाम आया था अरब में तो उन्होंने भी उस निज़ाम को नहीं छेड़ा, उसकी बुराइयों को पकड़ पकड़ के साइड पे करते गए। मसलन ये जो हाथ काटने की सजाएं ये वहां पे थी, गर्दन काटने की सजाएं वहां पे थी, उनको लागू रहने दिया। क्यों? क्योंकि जब आप किसी की गर्दन काटते हैं ना, गर्दन कटती हुई देखते हैं तो आप तौबा कर लेते हैं, उसी टाइम आप दिल में तौबा कर लेते हैं कि भाई मैं किसी का गला नहीं काटूंगा, मैं किसी को कत्ल नहीं करूंगा। यानी कि दो चीजों से आप इस्लाह कर सकते हैं, या तो आप मोटिवेट करते हैं, कुरान का भी ये तरीका है, कुरान हमें मोटिवेट करता है अच्छाई की तरफ और साथ में हमें मोटिवेशनल एक लियोर देता है कि आपको जन्नत देंगे हम इसके बदले में। अल्लाह हमें एक मोटिवेट करने के लिए जन्नत की बातें सुनाई जाती हैं। और दूसरी तरफ क्या, अगर ये नहीं करोगे तो तुम्हें खौफ दिलाया जाएगा कानून की, यानी कि अल्लाह ने अपना कानून आपको बता दिया कि अगर खौफ और मोटिवेशन, यानी कि खौफ और खुशखबरी, ये दो चीजें हैं, इनको आप नाफिज कर दें अपने किसी भी निज़ाम में कर दें, किसी भी निज़ाम में आप इन दो चीजों को नाफिज कर दें, आपकी जो कौम है ना वो बड़ी दुरुस्त हो जाएगी। तो यही कहना था मैंने, और इस पर कैसर साहब की राय सुनने का जो है ना वो चाहूंगा कि वो भी कुछ बोले इस बारे में। थैंक यू जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बहुत गौर से मैंने आपकी बातें सुनी हैं, लार्जली मैं आपकी बात से इतफाक करता हूँ। बाकी देखें, हम जब भी हम किसी पब्लिक प्लेटफॉर्म पे बात करेंगे, इवन प्राइवेटली भी बात करेंगे, तो चीजों के मुख्तलिफ एंगल्स तो इंसान को हर तरह से नजर आएंगे। जमहूरियत के हवाले से जो आपने कहा कि वोट होने चाहिए बेस्ड ऑन कि आपके क्या अटेनमेंट्स हैं एजुकेशनली या सो फोर्थ, मैं बहुत ज्यादा इसी से इतफाक नहीं रखता, एंड आई से दिस विद रिस्पेक्ट। और उसकी वजह यह है कि ये बात अल्लामा इकबाल से भी मंसूब है कि जमहूरियत पे उनका भी एक क्रिटिसिज्म बताया जाता है कि इसमें लोगों को गिना जाता है, तोला नहीं जाता, विच मीन्स कि उनकी वर्थ को नहीं क्या कहते हैं शामिल किया जाता, बल्कि नंबर जो है वो कंसिडर किया जाता है। प्रॉब्लम विद दिस आइडिया इज के जो पाकिस्तान में भी इवन जमहूरियत का निज़ाम है और जो सदारती निज़ाम है, इनके पार्लियामेंट्री भी अगर आप देखें तो वो दोनों ही खिलाफत से काफी मिलते जुलते हैं। कि जैसे खिलाफत का सिस्टम ये था कि कबाइल के लोग जो हैं ये हमारी जो खिलाफत के मुख्तलिफ मॉडल्स रहे हैं, और ये भी चीज यहाँ पे डिफ्रेंशिएट करना है कि चुनाव और हकूमत की स्पिरिट की दो रहते रहते चीजें होते हैं। तो हम जब डेमोक्रेसी की बात करते हैं तो आई डोंट मीन कि डेमोक्रेसी की जो स्पिरिट ऑफ द गवर्नेंस है, बल्कि द मेथड ऑफ इलेक्टिंग पीपल है। तो खिलाफत की भी हम बात करते हैं तो वहां पे भी जो मेथड ऑफ इलेक्शन है वो डिफरेंट हो सकता है, लेकिन जो स्पिरिट ऑफ खिलाफत है वो खलीफा बनने के बाद उसी को मेंटेन करेगा। तो जहां तक खिलाफत की सिलेक्शन है, उसमें और जमहूरियत में तो बहुत ज्यादा फर्क, इवन जो हमारी डेमोक्रेसी में ज्यादा फर्क नजर नहीं आता। मिसाल के तौर पर कि पाकिस्तान में कोई आदमी डायरेक्ट वजीर आजम को वोट नहीं देता, अमेरिका में कोई आदमी डायरेक्ट सदर को वोट नहीं देता। लोग उन लोगों को वोट देते हैं जिन्होंने आगे सदर या वजीर आजम को चूज करना होता है। तो कबायली सिस्टम में भी ऐसा ही होता था कि एक कबीले का सरदार है, वो जाके फिर आगे किसी खलीफा को की बैत कर रहा है अपने पूरे कबीले की तरफ से,
آج کے دور میں جو انتخابی حلقے ہیں یہ ماڈرن قبیلوں کی صورت میں بن گئے ہیں, جہاں پہ ہم اپنا سردار منتخب کر کے آگے بھیجتے ہیں اور پھر وہ آگے کسی ایک کی بیعت کرتے ہیں جب اسمبلی میں جا کے ووٹ ہوتا ہے کہ جناب آپ ہمارے جو ہیں وہ مجموعی طور پہ آپ خلیفہ ہو گئے. میں انالوجی کے طور پہ ٹرم استعمال کر رہا ہوں کیونکہ جمہوریت میں خلافت کی ٹرم استعمال نہیں ہوتی. تو اس جیسے اس زمانے میں خلیفہ یعنی کہ جو قبیلے کا سردار ہے وہ کون بنے گا, اس کی سلیکشن کے لیے ضروری نہیں ہوتا تھا کہ جو اس کو لوگ خلیفہ کہنے والے ہیں یا معافی چاہوں گا اپنے قبیلے کا سردار کہنے والے ہیں ان میں کوئی ایسی ڈیفرنسیشن ہو کہ بزنس مین کی رائے کی اور ویلیو ہو اور جو وہاں پہ ایک ان پڑھ آدمی ہے اس کی اور ہو. تو آئی ڈونٹ تھنک ان دیٹ ریگارڈ یہ کوئی ایسی کوئی ہمارے لیے کوئی ڈیسائسو فیکٹر ہونا چاہیے کہ اس بیس پہ ہم ووٹ کا کی ویلیو کو کم زیادہ کریں. اور دوسرے ووٹ ڈالنے کے لیے آپ کو کوئی بہت زیادہ میرا نہیں خیال کہ کوئی اتنی زیادہ ایجوکیشن کی ضرورت ہے کہ آپ کو یہ گیس کرنا کہ کون آدمی ملک کے لیے ٹھیک ہے کون نہیں ٹھیک ہے. میرا خیال ہے کہ جس آدمی کو بھی ہر روز 70 سال کی عمر میں جو آدمی مزدوری کر رہا ہے سارا دن اینٹینٹ ہو کے آتا ہے اتنی عقل اس میں بھی ہے کہ میں کس کو ووٹ دوں کس کو ووٹ نہ دوں, کیونکہ اس کو ملک کا ایک نظام نظر آ رہا ہے. ہاں کوئی ایسی ٹیکنیکل چیز ہے جس کا تعلق معیشت کی انٹریکسیز سے ہو یا اس طرح کی کوئی بہت کمپلیکس چیز ہو تو پھر تو ہم کہیں گے کہ جو ٹیکنوکریٹس وہی آگے آئے, لیکن کون سی پارٹی کون سے لوگ, آئی تھنک میرا خیال ہے کہ آج تک جتنی دنیا میں جتنی اویئرنیس ہے آئی تھنک اٹس ویری مچ پلوزبل ٹو ایکسپیکٹ کہ لوگوں میں اتنی ناؤ ہاؤ ہے کہ کس کو ووٹ دینی چاہیے کس کو نہیں دینی چاہیے. بہرحال میں اس پہ غلط ہو سکتا ہوں, میں آپ سے انسسٹ نہیں کروں گا, جو یہ میرا ویو ہے جو میں نے آپ کے سامنے پریزنٹ کیا. جی سر جزاک اللہ خیر. جی زینب رحمان آپ بات کریں پلیز. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اوکے میرا کوشچن یہ ہے کہ جب ایک اسلامک سوسائٹی میں رہتے ہوئے مسلمانوں کے درمیان تو جو میں چیز پہلے آبزرو کیا ہے کہ جب ہمارے مسائل ہوتے ہیں ذاتی زندگی میں وہ کسی بھی معاملے کے حوالے سے ہو سکتے ہیں معاملات کے حوالے سے, تو جب ہم ان میں وہ فیصلہ کرنا چاہتے ہیں صحیح غلط کا اور کسی کے مطلب انصاف کا انصاف کرنے کی بات آتی ہے تو ہم اسلام کو نہیں دیکھ پاتے, اس میں ہم اس میں اپنا دماغ استعمال کرنے کی پوری کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ اس کو کسی نے کسی طریقے سے ٹھیک کیا جائے لیکن اسلام کا ذکر ہم نہیں کرتے. تو میرا یہ کوشچن ہے کہ ایسا کیوں ہے کہ اگر ہم مسلمان بھی ہیں تو ہم اپنے فیصلوں میں اسلام کو نہیں دیکھ کے آ رہے تو ہم کہاں پہ لیک کر رہے ہیں؟ بہت ہی اچھا سوال ہے اور بہت ہی کریٹیکل کوسچن ہے اور اس کا جواب ہے کہ ہم آئیڈینٹی کرائسس کا شکار ہیں. ہمارے لیے اسلام عبادات کے مجموعے کا نام رہ گیا ہے, اس سے آگے کچھ بھی نہیں ہے. اور جب ایسا ہم کریں گے تو پھر یہی ہوگا جس کو انالوجی کے طور پہ میں کہا کرتا ہوں کہ ہم نے کلچر کے فریم میں دین کو کی تصویر کو فٹ کرنے کی کوشش کی ہے تو کہیں فٹ آ جاتا ہے کہیں فٹ نہیں آتا. بالکل آپ کی بات درست ہے کہ لڑائی جھگڑوں میں جب کوئی ایون گھر میں بھی اگر کوئی اسلام کی بات کرے تو وہ کہتے ہیں نہیں تو اسلام نو سائڈ تے رکھ, وہ بندہ پوچھے اسلام نو سائڈ تے رکھ پیچھے رہتا کیا ہے پھر بچتا کیا ہے. تو یہ بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے, اس کا جو طریقہ کار ہے وہ یہی ہے کہ ہم بچوں کی پرورش, یہ نسل جو چل رہی ہے اس کو تو ٹھیک ہوتے ہوتے ٹائم لگے گا, فوکس ہمارا اصلی اگلی نسلوں پہ ہونا چاہیے کہ ان کو پتا چلے کہ اسلام is something that you live through, it's not a theory کہ جس کو آپ پڑھتے ہیں, you live اسلام, یہ پریکٹیکل چیز ہے. تو ان سے امید ہم بہتر کر سکتے ہیں کہ وہ آگے آ کے ان معاملات کو بہتر چلائیں گے. لیکن یہ آئیڈینٹی کرائسس ہے ہمارا کہ ہم زندگی اس طرح کی چاہتے ہیں کہ جس میں اینڈ ہو زندگی کا تو وہ مکہ میں ہو یا مدینہ میں ہو, جنت البقیع میں ہمیں جگہ بھی مل جائے اور پتہ نہیں کیا کیا اس طرح کی چیزیں ہمیں اس دنیا میں جو ہے ہمارے پاس دنیا کی ہر طرح کی سہولت بھی ہو اور تھوڑے سے لبرل بھی ہوں اور اپنے لیے اگر مرد ہیں تو ہمارے لیے معیاری اور ہوں, عورتیں ہیں تو نہیں وہ بڑی اسٹرکٹ مسلمان ہونی چاہیے. اور عورتوں کا بھی یہی ہے کہ ہم ٹھیک ہے اسلام یہ وہ سارا کچھ ٹھیک ہے لیکن ڈراموں میں جو چلتا ہے دیکھیں ہمارے ہی معاشرے کا تو ایسا یہی کہہ کہ وہ بھی ساری وہی حرکتیں کر رہی ہوتی ہیں مرد بھی, اس جیسا آئیڈینٹی کرائسس کیونکہ دین میں ہم پورے کے پورے داخل نہیں ہیں, یہ اس کی وجہ ہے. بٹ دی اونلی سولوشن دین از کہ ایمانداری کے ساتھ بچوں پہ محنت کریں, یہ زہر ان تک نہ پہنچ جائیں تو ہم امید کر سکتے ہیں کہ اگلی نسل کنسیڈربلی بہتر ہوگی ہم سے. جی سر جزاک اللہ خیر. جی نبیل آپ بات کریں پلیز. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سر میرا یہ کوشچن تھا کہ جو
कॉन्स्टिट्यूशन जो है इस्लाम का वो डेमोक्रेसी में ऐड क्यों नहीं वगैरह हुआ, ये कॉन्स्टिट्यूशन जो है 1973 का चल रहा है, तो हम तो इस इस्लामिक मुल्क में रह रहे हैं, तो